to felicitate the Honourable Governor. The Honourable Governor being felicitated, Vikas Rathi is already onto the dais doing wonderful work with his institution, Anandapur Hospital. And now, flowers to the Honourable Governor and also the women. And of course, there's a nip in the air, so the show is going to come in handy. The Honourable Governor being felicitated by Sri Shobhushati Girl. The President of this request, Srimati Indrani Dotto, to do the honours for the First Lady of the State, Mrs. Sudesh Dhankarji. Srimati Indrani Dotto. The badge and also, of course, doing good work. Maybe once again call upon the First Lady to give a check hospital. Extreme dedication to the cause which has made this possible. Namaskar. It is my honor, my great privilege, along with my wife, to be here where emotions are high. And we are speaking not through our mind, but through our heart. And I am grateful to Sri Sabyasachi Dattaji when I invited him for an interaction and he suggested, I readily agreed. I am grateful to him for making my day a memorable in my life. I would never forget it. Srimati Indrani Dattaji, whatever I have seen here, the commitment she has for societal work, my great commendation for her. Dr. Niranjan Pradhanji, Dr. Devi Prasad Dwariji, Sri Kamal Gandhiji, Sri Shyam Sundar Beriwalji, Sri Ashok Todiji. I am beholden to the gracious presence of all of them and everybody in the audience and in the way. What I have seen today, I will never forget all my life. I come from Rajasthan and we know pani kya hai. Pani ki boond boond ke liye taraste hai. Kisan pani ke liye aasman mein dekhta rehta hai. मैं किसान परिवार से आता हूं. जो मैंने अंदर देखा है, थीम, इमेजिनेशन, प्रैक्टिकल व्यू ऑफ इट, माइंड ब्लोइंग. आई सल्यूट दोज हु हैड द कंसेप्ट ऑफ दिस थीम एंड दोज हु एग्जीक्यूटेड इट. मेरे साथ तो 3 महीने में एक अजीब सी बात हो गई है. लगता है कुछ महीने बाद मैं पूरा कवि बन जाऊंगा. बंगाल की धरती में इतना बड़ा कल्चर है, इतनी बड़ी सेंसिटिविटी है, मैं आश्चर्यचकित हूं. काफी दुनिया देखी है, कई देश गया हूं. फर्स्ट लेडी भी मेरे साथ थी, कभी मैं इनके साथ था. पहले सोचता था
पेरिस से ज्यादा गहराई का कल्चर कहीं नहीं है, क्योंकि 3 साल तक मैं वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेंबर था। और बंगाल में आने के बाद मुझे पता लगा ना गलत है, असली कल्चर यहां है। यहां कल्चर की गहराई है। मेरे राजस्थान में कोई संस्था 25 साल की है तो पूरा प्रांत खड़ा हो जाता है, 50 साल की है तो कहते हैं कि दिल्ली से किसी को बुलाओ, ऐसा मौका तो कभी आएगा नहीं। बंगाल में आकर देखा संस्थाएं 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। 25 वाले की तो भक्ति नहीं, वो तो बच्चा है। ये सिर्फ बंगाल में ही है। मैं जब निवेदिता जी के 152nd बर्थ एनिवर्सरी पर गया, उस हॉल को देखकर मैं दंग रह गया। उसका आर्किटेक्चर 200 साल पुराना है। कौन कौन लीजेंडरी फिगर वहां पर आए हैं, जब ये किसी ने बताया मैं अभिभूत हो गया। और मैंने कहा यह बहुत अच्छी हालत में है, इसको और अच्छी हालत में किया जाए ताकि दुनिया देखे कि यहां पर ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ था। जब मैं बार बार कहता हूं कि पूरे देश में बंगाल का एक ही स्थान है और वो स्थान है एट द पिनेकल, एट द टॉप, उसका एक कारण है, जो कुछ चाहिए एट द टॉप होने की वो बंगाल में है। मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूं, और ये उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अंग्रेजी सोल्जर कैम्ब्रिज के प्रोफेसर के कमरे में गया और उसने चुनौतीपूर्ण तरीके से कहा, प्रोफेसर आप यहां आराम से बैठे हो और हम लड़ाई कर रहे हैं, क्या आपका दिल नहीं पसीजता? प्रोफेसर ने शांत भाव से कहा, आप किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो? सोल्जर ने कहा, मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। प्रोफेसर ने कहा, देश का क्या मतलब है? उसने कहा, देश का मतलब बाउंड्री है। और क्या मतलब है? कहा, देश का मतलब है कल्चर। उस प्रोफेसर ने कहा, मैं भी उस कल्चर का ही काम कर रहा हूं, मैं भी उस कल्चर की ही पूजा कर रहा हूं। एंड द सोल्जर सैल्यूटेड द प्रोफेसर। आई थिंक एवरी वन इन वेस्ट बंगाल कैन बी सैल्यूटेड बाय द एंटायर कंट्री कि कल्चर को इन्होंने कितना जिंदा रखा। 3 महीने में इस प्रथम सेवक को करीब 1000 किताबें मिली हैं। हर किताब का जो ऑथर है उसने गहराई से बात लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए पूरे विश्व में बहुत कुछ देखा गया है, पर जब विश्व भारती के पूर्व कुलपति ने मुझे कहा कि मेरे शिष्य के द्वारा लिखी हुई एक किताब का विमोचन करना है, मेरे मन में आया टैगोर के बारे में और क्या लिखा जा सकता है। उस किताब का नाम था रविंद्र नाट्यम। वहां जो दृश्य मैंने देखा, उस किताब को पढ़ा, मैं अभिभूत हो गया। जो भी बंगाल में आएगा वो बंगाल का कर्जदार बनकर ही जाएगा, जो भी बंगाल में आएगा वो बंगाल से कुछ न कुछ ग्रहण करके ही जाएगा, जो भी बंगाल आएगा वो अपना शुद्धिकरण करेगा। ये चीज मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने बहुत अल्प समय में देखी है। अब तो हम दोनों को लगने लगा है कि यदि अगर हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तो ऐसा लगता कि धरती पर सही तरीके से आए नहीं है। जो मैंने देखा है, महसूस किया है, सोचा है, समझा है, द बेस्ट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन माइंड, द सबलिमिटी ऑफ आवर कैरेक्टर, द एसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, द वर्टिकल डेप्थ ऑफ ह्यूमन नेचर इज इन अबंडेंस इन बंगाल। और मैं कायल हो गया हूं। और एक बात कहना चाहता हूं,
Bengal will have to give light to the entire country and world. It has given earlier, it will still give. यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है. My greetings to all of you. ये त्योहार आपके घर में, आपके जीवन में, आपके समाज में प्रकाश लाए, अंधकार दूर हो. और एक बार फिर से आई एम हैवीली इंडेप्टेड टू सव्यसाची दत्ता जी फॉर मेकिंग माई डे मोस्ट मेमोरेबल इन माई लाइफ. थैंक यू सो मच. मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि मैं और मेरी धर्मपत्नी 29 अक्टूबर को उनके निवास पर आना चाहते हैं, क्योंकि वो दिन भाई बहन के लिए खास है. उस समय मुख्यमंत्री जी नॉर्थ बंगाल के दौरे पर गई हुई थी. आते ही उन्होंने मेरे पत्र का जवाब दिया, जिसके लिए मैंने धन्यवाद प्रसिद्ध किया है. और उन्होंने कहा कि 1978 से मेरे निवास पर पूजा होती रही है, 50 साल से ज़्यादा हो गए. आप अपनी धर्मपत्नी के साथ 27 अक्टूबर को आइए. मैंने उसको स्वीकार कर लिया है. कल हम दोपहर बाद माननीय मुख्यमंत्री के निवास पर धर्मपत्नी के साथ जाएंगे. और मैंने उनको कहा था कि मैं 29 अक्टूबर को आना चाहता हूँ. उन्होंने कहा है कि पिछले 30 साल से 29 अक्टूबर को वो कॉम्युनल हारमोनी के लिए डिवोट कर रही हैं. कॉम्युनल हारमोनी या कोई भी हारमोनी देश के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और मैंने उनको कहा है कि ये विषय मेरे भी दिल के बहुत करीब है. इस विषय में मैं चर्चा उनसे 27 अक्टूबर को ही करूँगा. धन्यवाद. এবছর পূজোর মূলত থিম হচ্ছে বিপন্ন প্রাণভোমরা. তার মানে হচ্ছে যে জল ছাড়া মানুষ বা কীট পতঙ্গ বা পশু পক্ষী বা গাছপালা কিছুই বাঁচে না. সেই জলকে বাঁচাতে হবে. এবং জল যেভাবে অপচয় হচ্ছে এবং জলা ভরাট হচ্ছে, সেটা আগামী দিনে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সমূহ বিপদ. আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যদি আগামী দিন বিশ্বযুদ্ধ হয় জলের জন্যই হয়তো হবে. জলের জন্য যা যা লাগে, সে টিউবওয়েল থেকে 20 লিটারের জার থেকে মাটির হাঁড়ি থেকে কল থেকে সবই ব্যবহার করা হয়েছে.